फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे सब बढ़िया होंगे। चलिए, अच्छी बात है, सब पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, एंजॉय करिए। तो लास्ट से हमारे दो वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट वाले में डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ा, सेकेंड में डायबिटीज एसिडिटीज पढ़ा हम लोगों ने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी में। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी के नाम से है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी। और हमारा फेसबुक पेज भी है जिस पर रोज क्वेश्चन डालते हैं हम लोग, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी के नाम से है फेसबुक पेज जो हमारा है। और एक क्वेश्चन क्विज ग्रुप भी है हमारा, वो भी उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी के नाम से है। तो उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा चाहे तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 7982881833। ये हमारा क्वेश्चन क्विज ग्रुप है, क्वेश्चन क्विज बाय उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की आने वाले जो भी वीडियोस हैं न्यू, उनके सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की टॉपिक की हम स्टार्टिंग करते हैं। टीपीएन एंड पीपीएन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स थ्रू ए वीनस एसिस डिवाइस, वीएडी, वीनस एसिस डिवाइस की बात करते हैं हम लोग, यानी कि सेंट्रल लाइन की बात करते हैं, सेंट्रल लाइन के थ्रू दे सकते हैं डायरेक्टली इनटू द इंट्रावीनस फ्लूइड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फॉर पेशेंट्स हु आर अनेबल टू रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी से। जीआईटी से जो पेशेंट्स टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जीआई सिस्टम से जो नहीं ले सकते हैं, यानी जीआई सिस्टम में कोई ट्रॉमा हो जाएगा, सीए अगर हो जाता है तो उन पेशेंट्स वो जीआई सिस्टम के थ्रू ऑर्डरली नहीं ले पाते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए एक अल्टरनेट रूट है आपका टीपीएन और पीपीएन। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन कि इंट्राविनस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है किसका, या तो ये हाइपरटोनिक होगा या फिर ये होगा हाइपोटोनिक ग्लूकोज होगा, या तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक ग्लूकोज को पहुंचेगा। इसमें लिपिड्स होंगे, अमीनो एसिड्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, विटामिन होंगे और ट्रेस एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, कॉपर है, जिंक है, वो सारे थ्रू ए वीनस एसिस डिवाइस, वीएडी के द्वारा इसको दिया जाता है, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके पर्पस देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। पर्पस क्या है टीपीएन के, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, टिश्यू मेंटेनेंस के लिए चाहिए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, टिश्यू मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर एंड एनर्जी डिमांड्स, जो पेशेंट की एनर्जी की डिमांड है उसको पूर्ण करने के लिए क्या दिया जाता है, टीपीएन दिया जाता है। सेकेंड आपका टू बाईपास द जीआई ट्रैक्ट फॉर पेशेंट्स हु आर अनेबल टू टेक फूड ऑरली, जो ओरली फूड नहीं ले पाते हैं जो पेशेंट्स, उनके लिए एक क्या है बाईपास सिस्टम, बाईपास बना देते हैं कि उनको जो ऑर्ली नहीं ले पा रहे हैं उनको आप जीआई सिस्टम से दे सकते हो बाईपास सिस्टम के। ये दोनों आपके पर्पज हैं, राइट, कि जो जीआई सिस्टम से नहीं ले पा रहा है उनके लिए क्या है एक बाईपास बना दिया जाता है, ठीक है, उसकी जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है टिश्यू मेंटेनेंस के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, और जो एनर्जी की उसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम लोग क्या देते हैं टीपीएन देते हैं। अब इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं
जिस कंडीशन में आप उसको टीपीएन देंगे। तो इंडिकेशन फॉर टीपीएन, टीपीएन के लिए कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशन हैं जिस कंडीशन में टीपीएन हम लोग देते हैं, कि पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट एंट्रल न्यूट्रिशन, एंट्रल न्यूट्रिशन यानी कि जीआई रूट से जो पेशेंट एंट्रल ओनली रूट से नहीं लेते हैं उन पेशेंट्स के लिए हम लोग टीपीएन। तो पहली ऐसी कंडीशन है कि पैरालिटिक इलियस, इलियस का पैरालिसिस हो जाए तो पैरास्टाल्जिक मूवमेंट नहीं होगी तो पेशेंट ओरली नहीं ले पाएगा। सेकेंड आपका इंटेस्टाइनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी भी कारण से, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उस कंडीशन में तो पेशेंट ओरली से नहीं ले पाएगा। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की कंडीशन हो अगर पेशेंट को, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो, आईबीडी जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की कंडीशन हो, जीआई फिस्टूला हो जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टूला, या फिर सीवियर डायरिया की कंडीशन हो, सीवियर डायरिया की कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सीवियर डायरिया की कंडीशन होती है, तो उन पेशेंट्स में भी स्टे नहीं कर पाता है जीआई सिस्टम में आपका ओरली जो फूड लिया जाता है वो। सेकंड अगर परसिस्टेंट उसको वोमिटिंग है किसी पेशेंट को कि कंटिन्यूसली उसको वोमिट हो रही है तो जीआई सिस्टम से जो भी आप लोगे वो सारा का सारा बाहर हो जाएगा उसका पेशेंट का, तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेट रूट की जरूरत होती है, बाईपास रूट की जरूरत होती है। तो वो बाईपास रूट क्या है आपका, टीपीएन या पीपीएन रूट से, या माल एब्जॉर्प्शन हो, ऐसा कोई सिंड्रोम डेवलप हो जाए जिसमें आपका जीआई सिस्टम में माल एब्जॉर्प्शन हो जाए प्रॉपरली, जो आप ऑर्ली ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है अगर, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन से इंडिकेशन है, अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो कि कोई भी आप इसमें दे देगा कि इंडिकेशन फॉर टीपीएन, इनमें से कोई सा भी तीन खालेगा, एक आपका अलग ऑप्शन दे देगा वो, तो आपको उसी को ये याद रखना होगा आपको सारे के सारे आपको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है तो ये टीपीएन पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर किसी आईसीयू में ड्यूटी किया आप लोगों ने तो ये जरूर आपने टीपीएन इस टाइप का व्हाइट मिल्क ये होता है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है, ये देखिएगा ये इसका फिल्टर लगा हुआ है, ये नीचे थोड़ा सा ओपन करता हूँ, देखिए मैं उसको, ये माइक्रो फिल्टर लगा हुआ है, ये वाइटिस दूध के जैसा मिल्की वो होता है, इसको बोलते हैं हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, राइट। पद पद देख लिया हम लोगों ने, अच्छा पैरेंटल न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे थे कि पैरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पैरेंटल टीपीएन इज द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स थ्रू ए सेंट्रल वेन। अगर सेंट्रल वेन से दिया, टीपीएन शुड बी गिवन थ्रू सेंट्रल वेन और सेंट्रल लैंग्वेज थ्रू ही दिया जाना चाहिए, ये आपका टीपीएन की है। कि क्या होता है टीपीएन में, वाटर होगा उसमें, प्रोटीन होगा उसमें, कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, मिनरल्स होगा, विटामिन्स होंगे और थ्रू सेंट्रल लाइंस को दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से वो पूछ लेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन उठेगा आपका कि टीपीएन जो होता है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो ये सारे कंटेंट्स आपको याद रखने होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और विटामिन्स होंगे सारे, राइट। अब टीपीएन की बात करते हैं, पेरिफेरल पैरेंटल न्यूट्रिशन delivered into the smaller peripheral veins, smaller जो कोई भी peripheral vein है उससे आप इसको दे सकते हैं, cannot handle as concentration as sodium, maximum जो sodium की आप दे सकते हैं, इसमें जो concentration दे सकते हैं glucose की जो concentration होगी वो 10% तक, 5% dextrose या 10% dextrose तक दे सकते हो, इससे ऊपर आपको 25% dextrose देनी है तो आपको उसको किसके central vein के या central vein से आपको उसको देना होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने वेग देखेगा ऐसा होता है, ये टीपीएन वेग है, ये आपका टीपीएन वेग है जो किससे देते हैं हम लोग, इसको सेंट्रल लाइन से देते हैं, और ये है आपका टीपीएन पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, ये किसी भी आप पेरिफेरल लाइन से दिया जा सकता है, ये सारे के सारे रूट हैं जो आपको जिनके थ्रू आप मेल फूड देते हो, ये आपका नेजोफेरिंजियल रूट है, ट्यूब है, नेजोफेरिंजियल ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर आप सीधा दे सकते हैं इस कंडीशन में।
ये नेजो जेजनम ट्यूब है, नेजल से अगर जेजनम में ट्यूब आप प्लेस करते हैं तो ये नेजो जेजनम ट्यूब कहलाता है। ये नेजो ड्यूडिनल की कंडीशन है कि नेजल थ्रू नेजल नोज के थ्रू अगर आप ड्यूडिनम में ट्यूब इंसर्ट करके अगर आप उसको फूड देते हैं तो वो कहलाता है आपका नेजो ड्यूडिनल रूट। ये आपका कहलाता है गैस्ट्रोटोमी। अगर सीधा अटोमी कोई भी एक आप हॉल बना करके केविटी बना करके थ्रू ट्यूब अगर सीधा एब्डोमन में कोई ट्यूब इंसर्ट कर देते हो और उससे अगर आप फूड पार्टिकल उसको देते हो मील उसको प्रोवाइड करते हो अगर तो ये कहलाता है आपका गैस्ट्रोटोमी, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब के थ्रू उसको देना। ठीक है, जेजनोस्टोमी ट्यूब के द्वारा। यहाँ अगर जेजनम में आपने कोई स्टोमा बना करके सीधा वहाँ ट्यूब डाल दी और फिर उससे अगर आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो ये कहलाता है जेजनोस्टोमी ट्यूब। राइट, ये सारे रूट हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ये आपका टीपीएन है। तो ये आपने देखा होगा कि ये कौन सी वेन है, यहाँ पर, यहाँ पर आपकी सब क्लेवियन वेन होती है। ये क्लेविकल बोन है भाई, ये क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन। और यही क्लेविकल के साथ में यहाँ पर आपकी कौन सी वेन होती है, यहाँ पर सब क्लेवियन वेन होती है। तो ये सब क्लेवियन वेन कहाँ जाकर के खुलती है, यहाँ सीधा आगे जाकर के ये मिलती है आपका सुपीरियर वेना केवा। यहाँ आपकी है सुपीरियर वेना केवा। इस सुपीरियर वेना केवा में जाकर के जो आप सेंट्रल वेन से दे रहे हैं वो सीधा हाथ में जाकर के सुपीरियर वेना केवा के थ्रू अंदर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, वो डायरेक्टली मिक्स हो जाता है। तो ये टीपीएन ऐसा आपका वेग होगा, टीपीएन वेग है ये। ये आप में इसमें फिल्टर लगा हुआ है, ये अलग अलग जिस उसके हिसाब से उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग माइक्रोन का होता है। ये पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में जैसे आपने देखा कि डेक्स्ट्रोज होगा, अमीनो एसिड्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, आर मिक्स्ड टुगेदर इन वन कंटेनर। एक कंटेनर में सारे के सारे मिक्स हुए रहते हैं। अगर लिपिड इमल्सन है वो तो उसमें क्या होगा, लिपिड इमल्सन कंटेनिंग प्राइमरीली एसेंशियल फैटी एसिड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम ए सेपरेट कंटेनर थ्रू वाई कनेक्टर। अगर आपको लिपिड इमल्सन भी देना है साथ में तो थ्रू वाई कनेक्टर जो अभी आपने देखा ऊपर बेग उसमें लगा हुआ था उसमें एक आप वाई कनेक्टर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आ रहा है, इसी के साथ एक वाई कनेक्टर ऐड कर दीजिए, उसके थ्रू आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। राइट, अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसकी, टीपीएन जो आप दे रहे हैं उसको पेशेंट को, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर्स इन द क्लाइंट्स फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो सकता है, इसके फ्लूइड उसका बैलेंस चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है पेशेंट में, ग्लूकोज इंबैलेंस, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, अमीनो एसिड्स जो है उसका लेवल अप डाउन हो सकता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, और मिनरल्स का लेवल अप या डाउन हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है, जैसा बताया अभी ने हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है या अल्केलोसिस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो सकती है, एक्सेस हो सकता है, जैसे कि हाइपर कैलेमिया डेवलप हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है और हाइपोकैल्सीमिया भी डेवलप हो सकता है इस कंडीशन में। क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया कहाँ से, सोडियम कहाँ से हो जाता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस में, इंट्रा सेलुलर फ्लूड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड सर्कुलेटरी सिस्टम से कहा इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, इससे के लिए कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है। आप पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आप इसको पेशेंट की प्रिपरेशन करना होगा पहले, उसके बाद में हम लोग उसका टीपीएन या पीपीएन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेदर द पेशेंट डेटा, पेशेंट के डेटा आपको कलेक्ट करने हैं, नो द पर्पस ऑफ द टीपीएन, की पर्पस क्या है टीपीएन का, क्यों हम उसको टीपीएन देना चाहते हैं, पीपीएन देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं पेशेंट के, क्योंकि वो जीआई ट्रैक्ट से नहीं ले पा रहा है या तो उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, वेरियस एलोटोपोसिस जो मैंने अभी इंडिकेशन आप लोगों को बताया, उस कारण आप लोगों को क्या देना पड़ रहा है, उसको पेशेंट को टीपीएन देना पड़ रहा है। तो
उसके टीपीएन के लिए पर्पज क्या है टीपीएन का, वो पहले आपको एक बार देखना होगा। कंफर्म द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर द टीपीएन, कि फिजिशियन ने रिटर्न में ऑर्डर आपको लिखा है या नहीं। रिटर्न में जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं है तब तक आपको स्टार्ट नहीं करना है, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, ओके। जब तक आपके रिटर्न ऑर्डर नहीं है तब तक ओके। वाइटल साइंस, पेशेंट के पहले वाइटल साइंस आपको लेने होंगे, इंक्लूडिंग जैसे रिसेंट बॉडी टेम्परेचर कितना है पेशेंट का, वेट कितना है, फ्लूड का बैलेंस कितना है, एनी एलर्जी। अगर पेशेंट को टीपीएन से कोई भी एलर्जी है तो उसे रिलेटेड पहले आप पेशेंट से पूछ लीजिए कि पहले आपको कभी टीपीएन चढ़ा है, अगर एडमिनिस्टर हुआ है तो कोई एलर्जी तो नहीं हुई है आपको, वो प्रीवियस उसके एक बार आप उसको ले लीजिए। और जब भी आप स्टार्ट करेंगे टीपीएन उससे एक बिफोर वन आवर, एक घंटे पहले आपको उसको फ्रीज से निकाल के रखना है, रेफ्रिजरेटर से निकाल के रखना, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, बॉडी टेम्परेचर पर आ जाए वो। तो इसीलिए आपको एक बिफोर वन आवर उसको निकाल के रखना पड़ेगा, कहाँ से, रेफ्रिजरेटर से। तो बात कर रहा था कि उसका वाइटल साइंस आपको चेक करने हैं, पेशेंट का टेम्परेचर है, उसका वेट है, ठीक है, फ्लूड बैलेंस कितना है, एनी एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को, और टीपीएन के कंटेंट्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है उसका। उसकी एक्सपायरी डेट एक बार चेक करनी है आप लोगों को, कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं, एक्सपायर्ड तो नहीं है, उसमें कोई फंगस इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें क्लाउडी तो नहीं है, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें एक बार आपको देखनी होगी उसमें। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है क्लाउडी, अगर वो दिखता है या फिर उसमें कोई फंगस लगा होता है, आपको प्रॉपरली मिक्स नहीं है, एनी कोई भी डाउटफुल स्थिति होती है, तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइड है, प्रोवाइडर वहाँ पर जो मौजूद है, फिजिशियन अवेलेबल है, उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा, राइट। अब क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, आपको टीपीएन स्टार्ट करना है पेशेंट को, तो आपको सेंट्रल लाइन चाहिएगी उसके लिए, टीपीएन सॉल्यूशन आपको चाहिएगा पेशेंट को, और टाइमिंग के लिए टेप, कि ठीक है आपने टीपीएन जो सॉल्यूशन स्टार्ट किया है उस टीपीएन सॉल्यूशन के ऊपर आपको टाइम डालना है कि कितने आवर, कि 24 आवर्स में फिनिश करना है आपको। 24 आवर्स से ज़्यादा अगर वो बच गया, आपका कुछ रिमेनिंग रह जाता है, तो आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, कंटिन्यूएशन में आगे यूज़ को नहीं करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेंट्रल लाइन आपके पास में चाहिएगी, उसके बाद टीपीएन सॉल्यूशन होना चाहिए, टाइमिंग के लिए टेप होनी चाहिए ताकि आप इसके ऊपर टेप प्लेस कर सके कि आपने कब कितने बजे स्टार्ट किया है, राइट। इन्फ्यूजन पंप चाहिए, कि हमेशा शुड बी स्टार्ट विद इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप से हमेशा टीपीएन हमें इन्फ्यूजन पंप से ही देना चाहिए, राइट। ट्यूबिंग विद फिल्टर, जो उसके जैसा अभी आपने ना डायग्राम से आपको बताया था अभी, कि उसके साथ ये ट्यूबिंग आपका आईपी सेट होगा, उसमें एक फिल्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो कितने माइक्रोन का फिल्टर होगा वो आपका फिजिशियन आपको पहले ही प्रेस्क्राइब करके बताता है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू आपको दे के आ रहे हो, उसको पेशेंट को टीपीएन दे रहे हो, पीपीएन दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल लाइन चाहिए, टीपीएन सॉल्यूशन आपको चाहिए, टाइमिंग टेप टेप चाहिए टाइमिंग डालने के लिए, इन्फ्यूजन पंप आपका अवेलेबल होना चाहिए, ट्यूबिंग्स विद फिल्टर होना चाहिए आपके पास। प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे आप, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये एक बार देख लीजिए। इंस्पेक्ट एंड प्रिपेयर द सॉल्यूशन, अच्छी तरह इंस्पेक्ट कर लीजिए और सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। रिमूव द ऑर्डर टीपीएन सॉल्यूशन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, जैसे मैं भी आप बता चुका हूँ कि जो भी आपको ऑर्डर दिया गया वन आवर बिफोर यूज एंड चेक द प्रपोज्ड रेट, आपको जो रेट उसकी रखनी है वो रेट आप चेक कर लीजिए, एक घंटे पहले आपको रेफ्रिजरेटर से उसको निकाल करके रखना है, ताकि वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आ जाए आपका। उसमें कोल्ड कोस, अगर आपका कोल्ड नहीं होना चाहिए, मैंने कहा कि एक घंटे पहले आपको रेफ्रिजरेटर से निकालना है, क्यों, कि अगर आपने कोल्ड उसको एडमिनिस्टर कर दिया तो हाइपोथर्मिया हो सकता है पेशेंट को, वीनस स्पास्म हो सकता है, वेंट में स्पास्म डेवलप हो सकता है, और वेंट्रो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपको, कि अगर एक पेशेंट है उसको कोल्ड टीपीएन एडमिनिस्टर कर दिया गया है, बट कॉम्प्लिकेशन में भी अराइज, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इसका आपको जैसे क्या पहला मैंने बोला कि उसको क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, वीनस स्पास हो सकता है, और
कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो इंस्पेक्ट द सॉल्यूशन फॉर क्लाउडीनेस एंड प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स तो उसमें अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको चेक करना होगा एक बार। चेक द एक्सपायरेशन डेट, इट मस्ट बी यूज विद इन 24 आवर्स ऑफ द प्रिपरेशन। जब भी आपने टीबीएन सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, जैसे उसको प्रिपेयर कर लिया, तो विद इन 24 आवर्स में आपको उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना ही करना है। 24 आवर्स आप में अगर रिमेनिंग रहता है तो उसको क्या करना है, आपको डिस्कार्ड कर देना, राइट। तो फर्स्ट 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन आपको उसको एडमिनिस्टर करना है। अब आपका प्रोसीजर की बात करते हैं, कि क्या प्रोसीजर में चल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर पेशेंट को। आपको प्रोसीजर के बारे में, आप कोई सा भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो उससे पहले प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को आपको सारी चीज एक्सप्लेन करनी है, कि ये प्रोसीजर हम क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या आउटकम्स है, आपको कैसे असिस्ट करना है, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको लेनी है पेशेंट से। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उन कंडीशन में आपको उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, नियर बाई रिलेटिव, उससे आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, प्रोवाइड द क्लाइंट प्राइवेसी, क्लाइंट की प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है, आपको यूज करना है उस कंडीशन में। प्रिपेयर द क्लाइंट, उसको मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से आपको प्रिपेयर करना है, कि ठीक है छोटी सी सेंट्रल लाइन हम लोग डालेंगे, उससे थ्रू आपको ये फ्लूड हम देंगे, टीपीएन सॉल्यूशन है, क्योंकि आप ओरली नहीं ले पा रहे, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है हमें, ताकि उसका असिस्टेंस हम लोगों को मिल सके, उसका कोऑपरेशन मिल सके, पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर सके और हमारा प्रोसीजर ईजीली हो जाए, राइट। चेक द क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बैंड चेक करना है आपको, कि यही पेशेंट है ना, कोई दूसरा पेशेंट तो नहीं है। नाम पूछना है उसका, बेड नंबर नहीं बोलना है आपको, उसका नाम बोलना है, हु इज अशोक, क्या आप अशोक हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपका बेड नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ आपको कंफर्म करनी है, राइट। असिस्ट द क्लाइंट टू ए कंफर्टेबल पोजिशन, पेशेंट को एक कंफर्टेबल आपको पोजिशन देना। फिर कोई प्रोसीजर बिफोर द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर क्या करते हैं हम लोग, हैंड वॉश करने हैं, वही जो आपकी सिक्स स्टेप है, वो सारी सिक्स स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। ऑब्जर्व एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, कोई सा भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, कोई सा भी प्रोसीजर कर रहे हैं आप, आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। चेंज द सॉल्यूशन कंटेनर टू द टीपीएन सॉल्यूशन और डर, ठीक, जो भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है उस अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन का चूज करना है। एंश्योर दैट करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द सेंट्रल लाइन कैथेटर बाय एक्सरे, जो भी आपने सेंट्रल लाइन इंसर्ट की है पेशेंट को, वो सेंट्रल लाइन का कंफर्मेशन जरूरी है, उसके बाद आप टीपीएन स्टार्ट करेंगे, तो टीपीएन स्टार्ट करने से पहले उसका कंफर्मेशन जरूरी है। तो आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे उसका, आप कंफर्मेशन करेंगे कि आपको उसका एक्सरे करवाना है पेशेंट का, जब आपकी ट्यूब सेंटर लाइन अगर आपकी सही स्पेस पे है तो ही आपको टीपीएन का स्टार्ट करना है। एंश्योर दैट द ट्यूब हैज एन इन लाइन फिल्टर, कि ट्यूब में इन लाइन फिल्टर है या नहीं है, ये भी आपको एक बार चेक करना होगा। कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द टीपीएन ट्यूबिंग, टीपीएन की ट्यूबिंग पे जहां पर आपको कनेक्ट करना है, ये टीपीएन का बेग है, और यहां पर हम आपका आईवी कनेक्टर एड करते हैं, यहां पर उसका एक फिल्टर लगा होता है, जैसे बीटी सेट का बड़ा वाला माइक्रोन का होता है, नॉर्मल जो होता है, तो इसका भी क्या है, इमल्सिफाइड है, कंसंट्रेशन अच्छी है, तो इसीलिए इसका आपका जो बीटी सेट में यूज करते हैं, ऐसा ही आपको माइक्रोन वाला इसका वो यूज करना होगा, आपको फिल्टर यूज करना होगा, आईवी सेट वो वाला यूज करना है इस कंडीशन में, ठीक है। तो एंश्योर दैट द ट्यूबिंग हैज एन इनलाइन फिल्टर कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द टीपीएन ट्यूबिंग, टीपीएन की ट्यूबिंग पर जहां पर इसको ऐड किया जाता है, राइट। तो ये फिल्टर होना चाहिए इसका। अटैच एंड कनेक्ट द ट्यूबिंग ऑन एन इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए, और जो रेट आपको फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया उस रेट पर आपको उसको स्टार्ट करना है। अटैच द टीपीएन सॉल्यूशन टू द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ट्यूबिंग के साथ ऐड करना। रेगुलेट एंड मॉनिटर द फ्लो रेट, आपको रेगुलरली उसकी जो आपने फ्लो रेट रखा है उसको क्या करना है, मॉनिटर करते रहना चाहिए। एस्टेब्लिश द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ फ्लो एंड मॉनिटर
द इन्फ्यूजन एट लीस्ट एवरी 30 मिनट्स. एवरी 30 मिनट्स में आपको उसका फ्लो रेट कितना आपने रखा था वो फ्लो रेट आपको चेक करना है. कहीं उसमें कोई क्लिंक तो नहीं आ गया आपका आईवी ट्यूब में, कहीं नॉट तो नहीं लग रही है उसमें, बैटरी उसकी प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो आपको एक बार इसका एवरी 30 मिनट्स में आपको ऑब्जर्व करना है, उसको चेक करना है. नेवर एक्सीलरेट एंड इन्फ्यूजन, आपको सडन स्पीड से बढ़ाना है नहीं, सडनली उसको कम करना है आपको. एक्सीलरेट नहीं करना है कि एक्सीलरेटर पे हम करते हैं फास्ट फास्ट, तो इस तरह आपको क्या करना है, इसको तेजी से नहीं स्पीड से बढ़ाना है, नहीं उसको कम करना है आपको. ठीक है, नेवर एक्सीलरेट एन इन्फ्यूजन दैट हैज फॉलन बिहाइंड शेड्यूल वाइल फंक्शनिंग फ्लक्चुएशन वाइल फ्लक्चुएशन इन ब्लड ग्लूकोज कैन अकर इफ द रेट ऑफ टीपीएन इन्फ्यूजन इज इररेगुलर. अगर इरेगुलर आप फास्टली अगर आपने कर दिया, उसको रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी. अगर आपने उसको स्लो कर दिया तो उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है. नेवर इंटरप्ट और डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन अब्रप्टली, तुरंत सडनली आप उसको बंद नहीं कर देना है आपको, उसको स्लोली स्लोली स्पीड उसकी कम की जाती है. ठीक है, और उसके बाद में उसको स्टॉप किया जाता है. If TPN solution is temporarily in unavailable, infuse a solution containing at least 5% dextrose. अगर आपका एक TPN बैग फिनिश हो गया है और नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है और आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी कारण, बस आपने दूसरे पेशेंट को लगा दिया, उसको ज़्यादा नीड थी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे उस कंडीशन में. उस कंडीशन में आपको करना होगा कि आपके पास में अगर 5% डेक्सट्रोज है तो 5%, 10% है तो 10% डेक्सट्रोज आप उसको इन्फ्यूज करेंगे, देन तब तक आप नेक्स्ट टीपीएन का बैग अरेंज कर लें. राइट, एटलीस्ट 5% डेक्सट्रोज तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा अगर 10% है आपके 25% है बहुत अच्छी बात है, 50% डेक्सट्रोज है. Closely monitor vital signs and sign of any side effects is the first hour. Fever हो सकता है, flushing हो सकता है, diaphoresis, excessive sweating हो सकती है patient को. ठीक है, dyspnea, breathing difficulty patient को हो सकती है. उसके बाद headache हो सकता है, cyanosis, bluish color. अगर उसमें oxygen की deficiency होगी, cyanosis होगा उसमें patient में, तो उस के लिए भी आपको ऑब्जर्व करना है. हेडेक हो सकता है पेशेंट को, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, तो इन सारी चीजों को भी आपको क्लोजली मॉनिटर करना है पेशेंट को. राइट, नेक्स्ट, स्टार्ट लिक्विड इन्फ्यूजन्स वेरी स्लोली. अगर आप लिक्विड इन्फ्यूजन कर रहे हैं, लिक्विड का इन्फ्यूजन कर रहे हैं, तो वेरी स्लोली स्पीड से आपको स्लोली आपको करना होता है उसको, वेरी स्लोली अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस ऑर्डर. फिजिशियन ने क्या ऑर्डर किया है, कितना इसका रेट रखना है, फ्लो रखना है, उस अकॉर्डिंग आपको उसका रेट फिक्स करना है. मॉनिटर द क्लाइंट फॉर कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो उससे पहले आपको उसका क्लोजली ऑब्जर्वेशन करना है. चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन सेट एंड फिल्टर एवरी 24 आवर्स. आईवी सेट आपको एवरी 24 आवर्स में चेंज करना है. एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि जो आपका टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं आईवी सेट से, उस आईवी सेट और जो उसका फिल्टर है उसको आपको कितने टाइम में चेंज करना चाहिए. आपको देखा 24 आवर्स, देखा 48 आवर्स, 72 आवर्स, तो आपको ध्यान रखना है कितने टाइम में, 24 आवर्स में ही आपको उसका चेंज करना है. आपको सेट भी आपको 24 आवर्स में चेंज करना है, उसका फिल्टर भी आपको 24 आवर्स में चेंज करना है, और 24 आवर्स तक ही आप टीपीएन को यूज कर सकते हो. जो आपने टीपीएन प्रिपेयर किया है वो टीपीएन सॉल्यूशन आप 24 आवर्स तक ही यूज करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग रहता है तो उसको आपको डिस्कार्ड करना. राइट, मॉनिटर द वाइटल साइंस एवरी 4 आवरली. एवरी 4 आवरली आपको पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं. टेम्परेचर, जैसे पेशेंट को एलिवेटेड टेम्परेचर हो सकता है, इंडिकेट कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस. अगर कैथेटर आपने जो सेंटर लाइन डाली है उसके कैथेटर से रिलेटेड अगर कोई सेप्सिस हो गया है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है अगर उसको, तो उसके लिए भी आपको ऑब्जर्व करना है. कलेक्ट डबल वॉइडेड यूरिन सैंपल्स. यूरिन दो वाइल में आपको कलेक्ट करना है उसका पेशेंट का. अगर किसी तरह का उसका इन्फेक्शन हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, इफ इट एबनॉर्मल
नोटिफाई द फिजिशियन, अगर आपको इसकी एबनॉर्मल रेंज मिलती है, रिपोर्ट एबनॉर्मल मिलती है, इंक्रीज या डिक्रीज ग्रेविटी उसकी ज़्यादा हो या कम हो, तो उस कंडीशन में आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना होगा, HCP को आपको नोटिफाई करना है। जो भी फिजिशियन अवेलेबल है उस फिजिशियन को आपको या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई, उसके नोटिस में ये चीज़ आपको बतानी है। If it abnormal, notify the physician who may alter the constituents of the TPN solution, ताकि वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी जो बने हुए कंटेंट्स है, उनमें वो चेंज करना है या उसको क्या करना है, जो डिसीजन लेना है, तो आपको उसके नोटिस में डालना एक बार जरूरी है। Start lipid infusion very slowly according to the physician's order, ये हम लोग देख चुके हैं, रिपीट हो गई है। हाँ, आपका उसका फिंगर स्टिक करके आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका चेक करते रहना है एवरी 6 आवरली। असेस फिंगर स्टिक ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आपने रैपिडली इन्फ्यूज किया, मैं बता चुका हूँ, रैपिडली अगर इन्फ्यूज किया आपने तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, अगर स्लोली आपने एडमिनिस्टर किया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट का। तो एवरी 6 आवरली उसका पेशेंट का फिंगर स्टिक से आपको ग्लूकोमीटर से उसका RBS करना है पेशेंट का, ग्लूकोज लेवल उसका चेक करते रहना। मेजर द डेली फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट एंड कैलोरी इनटेक, आई इनटेक आउटपुट चार्ट आपको मेंटेन करना है पेशेंट का, स्ट्रिक्टली इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, और कितना कैलोरी पेशेंट ले रहा है, इनटेक कर रहा है, कितने कैलोरी ले रहा है, उसका भी आपको चार्ट बना के रखना होगा, चार्ट प्रिपेयर करके रखना होगा। मॉनिटर द रिजल्ट्स ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट एंड रिपोर्ट एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी टेस्ट पर आपको नजर रखनी होगी उसको, और अगर कोई भी एबनॉर्मल रिपोर्ट आती है तो उसको उसकी फाइंडिंग्स आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो भी फिजिशियन है उसके बताना है आपको। असेस वेट एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, उसका पेशेंट का वेट करना है आपको, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स की बात करो, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होता है पेशेंट का, उसका पेशेंट की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में आता है। उसकी सर्कमफेरेंस कितनी है, हम एब्डोमिनल गेट्स देखते हैं ना पेशेंट की, तो उसकी एब्डोमिनल गेट्स कितनी है, उसकी सर्कमफेरेंस कितनी है, वो सारी की चीज़ें किस में आती है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको असेस करनी है पेशेंट की, राइट। वेट द क्लाइंट डेली पेशेंट का वेट करना है एट द सेम टाइम एंड इन द सेम गारमेंट्स, सारी उसका गारमेंट्स वही होने चाहिए और उसका डेली आपको वेट करना है। ए गेन ऑफ मोर देन 0.5 kg, अगर 0.5 kg वेट उसका अगर पर डे इंडिकेट हो रहा है तो उसका मतलब उसका फ्लूड एक्सेस हो रहा है, एंड शुड बी रिपोर्टेड, ये चीज़ आपको रिपोर्ट करनी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, फिजिशियन को नोटिफाई करवानी है। मेजर आर्म सर्कमफेरेंस में बात की अब लोग अभी, एंथ्रोपोमेट्रिक आर्म सर्कमफेरेंस एंड ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस वीकली आपको चेक करनी है इसको। जो भी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन उसका पेशेंट का आर्म सर्कमफेरेंस हो गया, उसकी थिकनेस हो गई, उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसकी फाइल में नोट करनी है। डॉक्यूमेंट कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, आपको फाइल में मेंटेन करनी है सारी चीज़ें। टाइप एंड अमाउंट ऑफ इन्फ्यूजन, क्या चीज़ें कि कौन से टाइप आपने दिया, उसका अमाउंट कितना था, वो सारा अमाउंट आपको क्या करना है, फाइल में नोटिफाई करना है, उसमें लिखना है आपको, डॉक्यूमेंट करना है। रेट ऑफ इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन आपने कितना रखा, उसका वाइटल साइंस एवरी 4 आवरली आपको नोट करने हैं उसमें। फिंगर स्टिक ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कितना रहा है उसका, एवरी 6 आवरली कर रहे हैं तो उसका भी आपको चार्ट में मेंशन करना होगा। क्लाइंट्स वेट डेली, डेली सेम टाइम और सेम डिनर में उसका वेट लेना है पेशेंट का, वो कितना रहा वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स की अभी हमने बात की, पेशेंट के हाइट कितना है, वेट कितना है, सर्कमफेरेंस कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको एक उसकी फाइल में एवरी 4 आवरली उसका 4 आवरली चार्ट करेंगे, 6 आवरली उसको 6 आवरली उसका ग्लूकोज लेवल का हम चार्टिंग करेंगे। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है कि TPN से रिलेटेड पेशेंट में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है, तो पेशेंट में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स
लास्ट डायबिटिक मेलिटस में हमने पढ़ा था कि इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में क्या हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, प्री रीनल एजोटेमिया यानी नाइट्रोजन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बोले थे एजोटेमिया, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं आपके, पहले नहीं दिख रहा आप लोगों को, मैं तो लिख देता हूँ एजोटेमिया, नाइट्रोजिनस प्री रीनल एजोटेमिया, जो नाइट्रोजन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया हो गया आपका, सीरम क्रिएटिनिन हो गया आपका, यूरिया क्रिएटिनिन लिपिड्स वो सारे के सारे इसमें आते हैं आपका प्री रीनल एजोटेमिया में आते हैं। आपके फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, हाइपर लिपिडेमिया, लिपिड हाइपर हो सकते हैं, लेवल्स बढ़ सकता है, उसमें कौन कौन से लिपिड्स हैं आपके गुड लिपिड्स और जो बैड लिपिड्स हैं उसमें LDL, HDL, VLDL ये सारे इनका क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकते हैं, ये हाइपर लिपिडेमिया की कंडीशन हो सकती है। आप में मिनरल्स डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल्स आपका कौन कौन से मिनरल्स हैं, सारे के सारे मिनरल्स जो आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, वो सारे मिनरल्स में डेफिशिएंसी हो सकती है पेशेंट में, उसकी डेफिशिएंसी। अब मैकेनिकल, ये तो हम लोगों ने देखा कि ये तो उससे आपका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम थी, अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, व्हाट इज मैकेनिकल, जो आप सेंट्रल लाइन डाल रहे हो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो टीपीएन आप उसको इंसर्ट कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, इंसर्शन प्रॉब्लम कि सेंट्रल लाइन प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हो रही है, कहीं कहीं आपने पेनिट्रेट कर दिया उसको, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम हो सकती है, इंसर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिसलॉजमेंट हो सकती है, आगे हो सकती है, थोड़ी पीछे हो सकती है, ठीक है, डिसलॉज हो सकती है मतलब उस अपना स्पेस छूट सकती है, हाथ ऊपर चले जाए या फिर नीचे जा सकती है आपके, ठीक है, थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकता है, थ्रोम्बोसिस ऑफ ग्रेट वेन्स, ठीक, वेन ग्रेट वेन में थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकता है, उसमें सुपीरियर वेना केवा बात कर रहे थे, SVC सुपीरियर वेना केवा में तो वो एक ग्रेट वेन है, तो वहां पर क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकता है, या फ्लेवाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इज नोन एज फ्लेवाइटिस, तो ये चीजें उसमें डेवलप हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है पेशेंट में। और नर्सिंग मैनेजमेंट की बात आती है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक नर्सिस का उसमें, कि क्या आप नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे उस पेशेंट का, अगर एक पेशेंट को टीपीएन आपने एडमिनिस्टर किया है तो उस कंडीशन में नर्सिस का क्या रोल होता है, क्या मैनेजमेंट होता है नर्सिस का, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्सिस मैनेजमेंट इसमें आपका। तो वाइट नर्सिस मैनेजमेंट में सबसे पहले कि वाइटल साइंस एवरी 4 to 8 hours आपको उसका मेजर करना है, डेली उसका वेट करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको उसका चेक करना है, एवरी 6 hourly चेक करना है, चेक इनिशियली आपको एवरी 4 to 6 hours में चेक करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट उसके चेक करना है, एजोटेमिया जो मैंने आपको बताया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये अभी आप उसको चेक करना है पेशेंट का, कंप्लीट ब्लड काउंट आपको देखनी है पेशेंट की, हेपेटिक एंजाइम्स, हेपेटिक सिस्टम से जो सारे आपके गॉल ब्लैडर से जो भी एंजाइम्स सीक्रेट हो रहे हैं, हेपेटिक से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स हैं उस एंजाइम्स की वैल्यूज क्या आ रही है, उनके रेंज डी रेंज तो नहीं हो रहे हैं, वो साइट ऑब्जर्वेशन की यानी कि जो भी आपने सेंट्रल लाइन इंसर्ट की है उस साइट को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि वहाँ कोई स्वेलिंग तो नहीं है, लीकिंग तो नहीं है, वहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। इन्फ्यूजन पंप मस्ट बी यूज, इन्फ्यूजन पंप आपको यूज करना ही चाहिए, बता चुका हूँ, नीड टू पीरियोडिकली चेक वॉल्यूम, जो भी आपने वॉल्यूम इन्फ्यूज कर रहे हैं वो आपको चेक करते रहना है कि 1 hour में आपका इतना जाना था, 100 ml जाना था या 50 ml जाना था, क्या 1 hour में 50 ml गया, कहीं ट्यूब आपकी ठीक आई से क्लिंक तो नहीं हो गया, कहीं नोट तो नहीं लग गई, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, बैटरी तो उसी इन्फ्यूजन पंप की खत्म नहीं हो गई है, अलार्मिंग तो नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें आपको क्लोजली मॉनिटर करनी होगी अगर इसी पेशेंट को टीपीएन चल रहा है तो उस कंडीशन में, पीरियोडिकली 1 hourly आपको चेक करनी होगी उस कंडीशन में, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग चेक लेवल आपको चेक करना है, एंड इंग्रेडिएंट्स अगेंस्ट ऑर्डर, जो आपने आपको फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के कंपेरेटिवली आपको अगेंस्ट में उसको चेक करना है कि क्या यही सेम चीज है या दूसरा है, वो आपको क्लोज चेक करना है इसको,
एग्जामिन बेग फोर साइन ऑफ कंटामिनेशन की ये बेग कंटामिनेटेड तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं है, क्लाउडीनेस तो नहीं है, वो आपको चेक करनी है। वॉच फॉर इन्फेक्शन एंड सेप्टिसीमिया के पेशेंट को, ठीक है लोकल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, उसको इन्फेक्शन के लिए और सेप्टिसीमिया के लिए आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। लोकल मैनिफेस्टेशंस जैसे वहाँ पर एरिथमा तो नहीं हो गया, रेडनेस तो नहीं होगी, स्वेलिंग तो नहीं हो गया, टेंडरनेस तो नहीं है वहाँ पर, एक्सुडेट्स एट कैथेटर इंसर्शन साइट्स कि कैथेटर जो इंसर्शन साइट है वहाँ पर वो एक्सुडेट्स तो कोई नॉक तो नहीं लग गई है वहाँ पर, ठीक वो आपको ऑब्जर्व करना है। पेशेंट को फीवर तो नहीं है, पेशेंट को चिल्स तो नहीं है, नोजिया वोमिटिंग तो नहीं है, मैलेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। ब्लड एंड कैथेटर कल्चर इफ इन्फेक्शन सस्पेक्टेड, अगर आपको लगता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, आपने पूरी एसेप्टिक टेक्निक यूज की है और जो इसके आपको लगता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि उसको फीवर होगा, चिल्स हो गया पेशेंट को, ऐसा आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगा वहाँ पर पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड कल्चर और जो आपने कैथेटर इंसर्ट की है, सेंट्रल लाइन जो इंसर्ट कर रखी है उसकी आपको निकालने उसकी टिप भेजनी पड़ती है कल्चर के लिए, आपको कल्चर ट्यूब में, ठीक है। तो अगर आपको सस्पेक्टेड लगता है तो उस कंडीशन में आपको ब्लड और कैथेटर का जो टिप है वो कल्चर के रूप में भेजना है आपको, ठीक है। एक्सरे टू चेक चेंजेस इन पल्मोनरी स्टेटस, उसके पल्मोनरी स्टेटस लंग्स के स्टेटस में कोई चेंजेज हुआ है क्या, तो उसके लिए आपको एक्सरे करवाना है पेशेंट का, करवाना है कि कोई चेंजेज हो तो पेशेंट को बता सके। आफ्टर पेरेंट्रल न्यूट्रिशन थेरेपी डेली ड्रेसिंग चेंज अंटिल हील्स, जब तक आपने सेंट्रल लाइन उसको पेशेंट को डाली है, पेंटल लाइन डाली है, अगर आपने जो आईवी कैनुला यूज किया पेंटल लाइन के लिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर आपने यूज किया तो सेंट्रल लाइन यूज की होगी, तो सेंट्रल लाइन पे जहाँ इंसर्टन साइट थी वहाँ पर आपको ड्रेसिंग चेक करनी है, डेली आपको ड्रेसिंग चेंज करनी है अंटिल वो जब तक हील नहीं हो जाए, कंप्लीटली हील नहीं हो जाए तब तक आपको उसको ड्रेसिंग करनी है डेली उसका। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज होने से पहले हम लोग क्या करते हैं पेशेंट का कि उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि आपको न्यूट्रिशन कैसे लेना है, इसकी केयर कैसे करनी है, आपको कैथेटर अगर आपको निकाला है उसका तो उस कंडीशन में कैथेटर जो इंसर्ट किया था उस साइड की केयर कैसे करनी है, उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर उसका है तो उस क्वेश्चन का आपको समाधान करना है, उसको उत्तर सेटिस्फाई करना है उसको पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी रिलेटेड आपके पीपीएन एंड पीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार कमेंट करिए हम लोग, ठीक है, और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करिए और एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी अगर आपको लगता है कोई भी डाउट आपको है तो आप बेझिझक आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक, ओके, थैंक यू।